तो हेलो गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन आपको बताऊंगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो गर्डर था हमारा वो उसको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस गर्डर में आपको पता था ए इज़ नथिंग बट अवर 12 मीटर डिस्टेंस एंड बी इज़ नथिंग बट अवर 16 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। आपको क्या करना होता है इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस में, एक चैन में रखना, आपको इस तरीके का एक टेबल बनाना होता है जिसमें आपको जो लोड क्रॉस गर्डर सेक्शन के ऊपर जो लोड क्रॉस गर्डर सेक्शन के ऊपर आपको आपका लोड को मैनेज करना होता है। जैसे मान लो 100 किलो न्यूटन का है, 120 किलो न्यूटन का है, उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, वही सबसे बड़ा एक टैक्टिक होता है, ठीक है। तो चलो मैं उसको अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो ओके, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपके लोड कंडीशंस है उन सारे लोड कंडीशन को हम मैनेज करेंगे। तो मान लो ये पहले आपका गर्डर है, तो उसके ऊपर सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस सी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला सी पॉइंट के ऊपर हमारे सबसे पहला एक लोड रखेंगे। मतलब इसका मतलब क्या, एक लोड आगे बाकी सारे लोड पीछे, दूसरे कंडीशन में दो लोड आगे बाकी सारे लोड पीछे, थर्ड इसमें एक लोड बस इधर बाकी सारे लोड इधर। तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज निकलेगा। एवरेज किसके लिए निकलेगा, एक एसी के लिए निकलेगा और एक सीबी के लिए निकलेगा। यहाँ पे भी एक एसी के लिए निकलेगा, एक सीबी के लिए निकलेगा, यहाँ पे एसी के लिए निकलेगा और एक सीबी के लिए निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका 100 किलो न्यूटन सिर्फ अकेला लोड इधर है एक साइड में है, तो आपका कैलकुलेशन एसी में कैसे आएगा, एसी में तीन लोड रहेंगे, 120 प्लस 80 प्लस 150 डिवाइडेड बाय ए, ए क्यू बिकॉज एसी की लेंथ है आपकी 12, तो उसका आंसर मिलता है आपको 29.17। अगर आपके तीन लोड एसी में है, तो आपका 100 सिर्फ किस में रहेगा, इस सीबी में रहेगा। तो सीबी की लेंथ बी कितना है, 16 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 16 आपको इतना मिल गया। अभी आपको ये चेक करना है एसी बड़ा है या सीबी बड़ा है, इसका रिलेशन चेक करना है। देखो एसी इज ग्रेटर देन सीबी, ठीक है। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, गाड़ी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, मतलब लोड को थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एसी में सिर्फ आपके दो लोड रहेंगे, एक 150 और 80 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको मिलेगा इतना, और सीबी में आएगा 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो फिर से चेक करेंगे, एसी इज ग्रेटर देन सीबी, ठीक है। फिर से अगर हम 80 किलो न्यूटन के लिए करेंगे, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ 150 किलो न्यूटन का लोड हमारा इधर रहेगा एसी में, तो 150 डिवाइडेड बाय 12 आपको मिलेगा 12.5, और सीबी में रहेगा 100 प्लस 120 प्लस 80 डिवाइड बाय 16, वो हो जाएगा 80.75। तो उससे क्या होगा, आपका रिलेशन हो जाएगा चेंज। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपका साइन कन्वेंशन चेंज हो रहा है, मतलब अभी यहाँ पे एसी बड़ा था सीबी से, यहाँ से एसी बड़ा था सीबी से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एसी छोटा हो गया सीबी से, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको 80 किलो न्यूटन के ऊपर आपको लोड कंडीशन निकालना है। जिस पॉइंट पे भी आपका साइन कन्वेंशन चेंज हो गया, आपको उस लोड को पकड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 को बीच में रखेंगे, ठीक है। तो 80 को अगर मैं बीच में रखता हूँ, तो मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, एक तो आपको Y1 मिलेगा, ठीक है, एक तो आपको Y2 मिलेगा, और एक तो Y3 आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो मेन वैल्यू रहती है, ये जो डायरेक्शन रहती है, इसको आपको निकालना होता है। ये कैसे मिलेगा, ए मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो ए हो गया आपका 12, बी हो गया आपका 16 डिवाइडेड बाय टोटल इसकी स्पैन की लेंथ जो 28 है। तो ये मिल गया आपको 6.86। अभी मुझे Y1 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, वेरी सिंपल, 6.86 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू Y1 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको Y1 मिलेगा 5.176। सिमिलरली मुझे Y2 निकालना है, क्या हो गया, 6.86, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू Y2 डिवाइडेड बाय ये 12 प्लस 2 मतलब 14, तो आपको मिलेगा 5.14, और Y3 मिल गया आपको 6.00। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको करना क्या है, 150 मल्टीप्लाई बाय Y1 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 6.86 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय Y2 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय Y3, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो कि रहेगा आपका 2623। तो स्टार्टिंग प्रोसेस में आपको बता देता हूँ क्या करना है। जो भी आपका लोड है, सबसे पहले पहला लोड हम इस पॉइंट के आगे रखेंगे, ठीक है, और उनके दोनों साइड में हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अगेन फिर और एक लोड आगे शिफ्ट करेंगे, फिर से एवरेज निकालेंगे। लेकिन रिमेंबर, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आपका रिलेशन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे एसी बड़ा था सीबी से, यहाँ पे भी एसी बड़ा था सीबी से, लेकिन यहाँ पे एसी कम हो गया। तो जिस पॉइंट पे आपका कम होगा या फिर साइन कन्वेंशन चेंज हो गया, उस पर्टिकुलर लोड को आपको यूज करना है एट अ सेंटर पॉइंट, सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और इस तरीके से उसका कैलकुलेशन करना है। तो उस तरीके से आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।